ये दो लाइन उन दोस्तों के लिए जो चार जनों के सामने किसान होते हुए भी उन्हें कहते पर शर्म आती है कि किसान होते हुए भी उन्हें कहने पर शर्म आती है कि फ़क्र है हमें इस किसानी पर, हमें बाहर रहते हुए भी अपने देश की याद आती है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एस के ठाकुर प्लीज़ 1 मिलियन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको फसल, जैसे कि गेहूँ की फसल। और आ चुके हैं हम अपनी गेहूँ की फसलों में। और भाई ये धनौरी वालों की गेहूँ की फसल है, ये गेहूँ की तथा ये अभी कच्चे ही हैं। और गेहूँ की फसल है ये तथा इसके बाद दिखाएंगे हम आपको लहसुन की फसल। यह है लहसुन तथा मिर्च, ये आने वाले 2 महीनों के बाद ये तैयार हो जाएगी और फिर इसको बेचा जाएगा। फिर यहाँ पर जो उगाई जाती है वो फसल, सिर्फ यहाँ पर जो उगाई जाती है फसल वो लहसुन तथा मिर्च ही है और गेहूँ गन्ना। इसके अलावा इसके अतिरिक्त और कोई भी फसल यहाँ पर उगाई नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये लहसुन आदि की फसल काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाती है यहाँ पर ये। और फ्रेंड अब जहाँ तक भी आप नज़र मारेंगे और वहीं तक ये फसल है, देख सकते हैं आप गेहूँ की फसल कहाँ से कहाँ तक होती है मेरे भाई। यहाँ पर गेहूँ तथा लहसुन भी आप देख सकते हैं, लहसुन के खेत तो यहाँ पर कम है मगर यहाँ पर जो गेहूँ यहाँ पर बहुत उगाई जाती है। लहसुन भी कई प्रकार में काम आता है, जैसे और फाइनली हम कर चुके हैं धनौरी के खेतों में प्रवेश। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहीं वहीं तक धनौरी के खेत नज़र आएंगे आपको। और इस रास्ते से हम चलते हैं बंदे पर, मिलेंगे आपको बंदे पर। अब तो फाइनली हम कर चुके हैं बंदे पर चढ़ाई, अब हम चलते हैं माँ गंगे की ओर। माँ गंगे यहाँ फाजिलपुर में बहती हैं, निकलते हुए लालपुर तथा कई अन्य जिला या शहरों में जाकर निकलती हैं। और ये माँ गंगे का भंडारा यहाँ पर सालों साल होता है तथा इस देख सकते हैं आप भाई लोग जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र आएगी वहाँ माँ गंगे नज़र आएंगी आपको। देख सकते हैं माँ गंगे और जो रेत में जो ये सूखा जो कबाड़ा है इसमें इसके अंदर बीज उगाए गए हैं तरबूज के, जिसमें कि इसको ठंडी से इसको हानिकारक ना हो, ये ज़्यादा फसल का नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ पर ये झाड़ तथा इसके ऊपर झाड़ लगाई जाती है। और हम चल रहे हैं हाथ के ऊपर, ये पत्थरों के जाल को हाथ के नाम से भी जाना जाता है। और भाई थोड़ा संभल कर चलना पड़ रहा है क्योंकि इसके जो वायर हैं वो निकले हुए हैं तथा अगर पैर में घुस गए तो भाई चोट लग जाएगी। और ये माँ गंगे का स्थान, यहाँ से माँ गंगे बहती हुई लालपुर से होकर गुजरती हैं, दढ़ियाल से फाजिलपुर, फाजिलपुर से लालपुर होकर गुजरती हैं। और ये कुछ फसल यहाँ पर तरबूज के बीज लगाए गए हैं और ये छोटा सा डहर है भाई। फाइनली हम कर चुके हैं माँ गंगे के दर्शन, इसलिए चलते हैं हम अपनी घर की ओर। Thank you.
गाइस हम ब्लॉग शूट करते करते काफ़ी दूर आ चुके हैं अपने घर से और हम चलते हैं अब अपने घर की ओर। घर की ओर चलते चलते हैं और ये आपको ये कुछ किसानों की तस्वीरें जो कि बेचारे शाम 4 बजे भी वर्क कर रहे हैं। भाई ये किसान ही हैं जो कि हमारा तुम्हारा पेट पालते हैं, अगर किसान नहीं तो भाई हम भी नहीं हैं। इसलिए किसान ही फसल उगाता है, इसलिए उन्हें अच्छे दाम भी मिलने चाहिए, तथा कुछ किसान दाम मिलने के ना कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं भाई, मगर इस यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर किसानों की सुनवाई हो जाती है और हर किसानों को उचित दामों पर फसल के रेट मिलते हैं भाई, इसलिए हम चलते हैं अपने घर की ओर। ये दो लाइन उन दोस्तों के लिए जो 4 जनों के सामने किसान होते हुए भी उन्हें कहते पर शर्म आती है कि किसान होते हुए भी उन्हें कहने पर शर्म आती है कि फ़ख्र है हमें इस किसानी पर, हमें बाहर रहते हुए भी अपने देश की याद आती है।